नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। आरएस भट्टी को लेकर अपनी हेलीकॉप्टर से पूर्णिया गए थे लालू प्रसाद यादव। 14 जून 1998 का दिन पूर्णिया के इतिहास का वह काला पन्ना है जो सूबे की तत्कालीन सरकार को भी लाल घेरे में ला दिया था। 14 जून की दोपहर को ही पूर्णिया शहर से गुजरने वाली गंगा दार्जिलिंग पथ पर पूर्णिया सदर के 4 बार विधायक रहे अजीत सरकार को गोलियों से भून दिया गया था। उस समय अजीत सरकार की लोकप्रियता चरम पर थी। आपको बता दें कि उनकी हत्या की खबर फैलते ही शहर जलने लगा, सड़कों पर जल सैलाब उमड़ गया था और पुलिस सुरक्षात्मक मुद्दा पर आ गई थी। सड़कों पर टायर दर टायर जला रहे थे, बाजार में पान तक की दुकान नहीं खुल रही थी। यह क्रम अगले 3 दिन तक थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस पूरी तरह असहाय नजर आ रही थी। आपको बता दें कि इस आंदोलन की धमक पटना तक पहुंच चुकी थी और सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। पूर्णिया में आक्रोशित लोग उनका शव उठाने नहीं दे रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर पूर्णिया में लगातार बिगड़ते हालात की सूचना मिलने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पूर्णिया आगमन का कार्यक्रम तय हुआ। स्थिति को भांपते हुए लालू प्रसाद यादव खुद अपने हेलीकॉप्टर से ही आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को लेकर यहां पहुंचे थे। स्वर्गीय अजीत सरकार के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण के बाद खुद लालू ने लोगों से शांति की अपील करते हुए यह जानकारी भी मंच से दी थी कि अब पूर्णिया के एसपी आरएस भट्टी होंगे और ये ऐसे एसपी हैं जो बड़े से बड़े अपराधियों का भट्टा बैठा देंगे। फिलहाल आरएस भट्टी को बिहार का डीजीपी बनाए जाने से यहां के लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी है। बता दें कि पूर्णिया की कमान संभालते ही एसपी आरएस भट्टी ने तत्काल अजीत सरकार हत्याकांड की जांच शुरू कर दी थी। यद्यपि उनकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सरकार के स्तर से इनकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया था। उस समय भी यह बात सुर्खियों में रहा था कि आरएस भट्टी ने जिन लोगों को केंद्र में रखकर अपनी जांच को रफ्तार दी थी, बाद में सीबीआई की जांच भी उसी दिशा में बढ़ती गई। इधर भट्टी के आगमन से ही अपराधियों में कोहराम मच गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी इलाका छोड़ने लगे थे। जिस समय आरएस भट्टी की पदस्थापना हुई थी, उस दौरान धमदाहा अनुमंडल में अपराधियों की समांतर सरकार चलती थी। इसमें कुछ गिरोह का सफाया भी हुआ था। आपको बता दें कि यद्यपि गैंगवार में इन अपराधियों के मारे जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन चर्चा के केंद्र में भट्टी रहे थे। लोग इन अपराधियों के सफाए को गैंगवार का नतीजा मनाने को लेकर तैयार नहीं थे। आरएस भट्टी ने पूर्णिया में 6 माह का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था कि डगरुआ थाना क्षेत्र के निखराइल में भू विवाद को लेकर 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना भी सूबे में सुर्खियों में रहा। मारे गए सभी लोग आदिवासी परिवार के थे। इस पर सियासत भी गर्म हो गई थी और इन तमाम स्थितियों को लेकर नजरअंदाज करते हुए आरएस भट्टी पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई पर अडविड रहे और नरंग संहार की चिंगारी भड़कने से पहले ही शांति हो गई। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे एनबीसी 24।